Let fx and gx be two real valued functions. Define then modulus of fx minus gx is less than equals to modulus of fx plus modulus of gx, where fx is given by x minus 3 and gx is given by 4 minus x. Then the number of solution of the above inequality when x is greater than equals to 4. ठीक है, तो x की value greater than equals to 4 के लिए जो given inequality है उसके लिए अपने को क्या निकालना है, solution निकाल दे। तो inequality अगर अपन देखें तो inequality अपने पास given है f of x minus g of x का modulus value is less than equals to fx mod plus gx mod। ठीक है, अपने को intervals क्या लेना है, इसके लिए अपने को इंटरवल्स लेना है x greater than equals to 4। ठीक है, लेट्स से मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ fx क्या है, यहां पे fx अपने पास x minus 3। ठीक है, fx अपने पास क्या आ गया यहां पे वैल्यू, ये आ गया x minus 3, x minus 3 और minus gx है तो minus और gx क्या है 4 minus x। ठीक है, तो gx आ जाएगा 4 minus x, ये मॉडुलस वैल्यू आ गया, इज लेस देन इक्वल्स टू fx का मॉड। तो fx का मॉड अगर अपन देखें तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, x minus 3 का मॉड। ठीक है, x minus 3 का मॉड प्लस gx का मॉड, gx का मॉड क्या है, ये गिवन अपने पास 4 minus x का मॉड। ठीक है, ये वैल्यू अपन बेसिकली मैं यहां पे इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं। ठीक है, ये x minus 3 minus 4 minus x आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा अपने पास 2x minus 7। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बेसिकली आ जाएगा 2x minus 7 का मॉड वैल्यू। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2x minus 4 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास x minus 3 का मॉड। ठीक है, x minus 3 का मॉड और ये आ जाएगा प्लस 4 minus x का मॉड वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली वैल्यू है, अपने को x वैल्यू क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बोल रहे हैं, ठीक है, तो x वैल्यू अगर अपन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बोल रहे हैं तो मैं यहां से अगर अपन बोले तो मैं यहां पे x minus 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे मैं इनके अब साइन चेक करता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर अपन मैं इसके लिए साइन को चेक करूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है तो अपन क्या बोलते हैं, x 3 जो होगा वो क्या होगा, x 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो x 3 क्या आ गया, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, x 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और इससे अगर मैं देखूं तो 4 x क्या आ गया, 4 x यहां पे आ गया लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से अगर अपन 4 minus x की वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा अपने पास लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा। अब 2x minus 7 की वैल्यू देखो, ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सॉरी 8, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो 2x minus 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, जो गिवन इंटरवल है, और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव, तब जो मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी को अपन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, तो 2x minus 7 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये आ जाएगा 2x minus 7। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया मॉड के अंदर, तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, लेस देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये भी प्लस साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, और प्लस ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। ठीक है, 4 minus x जो होगा वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ अगर अपन खोले तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस x, तो बेसिकली इसको लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है, अब अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर 2x माइनस 7, तो यहाँ पे लेस देन इनइक्वालिटी तो होल्ड नहीं करेगा, बट ये क्या आ जाएगा, ऑलवेज इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेसिकली अगर अपन देखें तो ये इनइक्वालिटी दो पार्ट में अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक पार्ट ब्रेक कर सकते हैं, 2x माइनस 7 इज लेस देन 2x माइनस 7, और एक पार्ट इक्वल टू वाला ब्रेक कर सकते हैं, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7। यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, बट यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 7, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो आंसर देखो तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।